स्वागत है सभी का कीशास कॉर्नर में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सॉफ्टी या फिर क्रीम रोल, जो भी जिसे आप नाम से आप जानते हो इसे। तो बहुत ही इंस्टेंट, बच्चों को बहुत पसंद आती है ये, और बच्चों के लिए मैं ये बनाने के लिए लेकर आई हूँ इंस्टेंट, क्योंकि मम्मी बहुत परेशान होती है कि बच्चे बहुत नखरे करते हैं। तो बहुत ही जल्दी बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो इसको आज हम ब्रेड से बनाने वाले हैं। तो मैंने इसके लिए कुछ ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं। तो उसके जो कॉर्नर्स होते हैं उनको कट कर लेना है। तो इनकी किनारियों को कट कर लेंगे सबसे पहले हम। इस तरह से आप नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं इसको। तो सारी ही कॉर्नर्स को, सारी ही ब्रेड स्लाइसेस को इसी तरह से हमने कट कर लेंगे। और अब हमें क्या करना है, तो अब हमें इसे बेलना है। तो बहुत ही अच्छे से, थोड़े टाइट हाथों से इसको बेलना है। हमें थोड़ी सी मैदा की, जैसे रोटी की शेप होती है ना, बिल्कुल बारीक, थोड़ी उसी तरह से हमें इसको बेल कर रेडी करना है। तो इस तरह से इसको, और हाँ अच्छा होगा क्योंकि ब्रेड हमारा एकदम फ्रेश हो, जिसकी वजह से बिल जाए। तो हमारी ये सारी स्लाइसेस में बिल कर तैयार हैं। और अब हमें चाहिए टूथ पिक। तो ये जितनी ब्रेड स्लाइसेस है उतनी ही हमें टूथ पिक चाहिए। और अब हम इसकी बनाएंगे कोन। तो कोन हम बनाने जा रहे हैं। तो कोन इस तरह से हाथों से मोड़ लीजिए, जिस तरह हम समोसे की शेप देते हैं। तो इस तरह से इसको टूथ पिक से हम सेट कर देंगे। इस तरह से हम सेट कर देंगे सारे ही जो हमारे ब्रेड स्लाइसेस है ना। तो इस तरह से हम इसके कोन रेडी कर लेंगे, जिससे कि हमारी कोन की शेप रह जाए। तो इस तरह से हमारी कोन जो वो तैयार हो जाएगी बहुत ही आसानी से। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे देखकर ही खाते हैं, तो लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है ये कोन। तो बच्चे बहुत मज़े से खाएंगे और हेल्दी भी हो जाएगा, और घर की चीज़ों से बना है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो इस तरह से हमारी सारी कोन बनकर रेडी हो गई है। तो हम इसकी जो ट्रायंगल शेप आ रही है ना ऊपर, उसको कैची से कट कर देंगे इसको, जिससे कि फिनिशिंग आ जाए थोड़ी सी अच्छे से। तो फिनिशिंग बहुत अच्छी लगती है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी न्यू वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो अब क्या करना है, जो हमारी जो हमने कोन रेडी कर लिया ना, उसको लो टू मीडियम फ्लेम पे थोड़ा लाइट ब्राउन होने तक हम इसको पका लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है इसको, क्योंकि कोन है तो हम इसको, इसके मुँह को हम खोल नहीं पाएंगे। अगर ज़्यादा हार्ड हो गई तो वो टूटेगी फिर। तो लाइट ब्राउन करना है, जिससे कि सेट हो जाए। सिर्फ इतना हमको ब्राउन करना है। तो इस तरह से हम सारे ही जो हमारे कोन है ना, उनको थोड़ा लाइट ब्राउन करके निकाल लेंगे। इस तरह से ऑयल को आप अच्छे से निकाल दीजिए। और अब मैंने सारे ही कोन्स को इस तरह से कर लिया है। तो अब हम इसकी क्या करेंगे, कोन को थोड़ा सा इसको खोलेंगे। टूथ पिक निकाल दीजिए, अभी सेट हो चुकी हैं। तो इस तरह से ये देखिए, थोड़ा सॉफ्ट रहा है ना ब्रेड अंदर से, तो कोन आराम से बन जाएगी। तो इस तरह से हमारी जो कोन है वो बन गई है। तो सारी इस तरह से हम सारी कोन निकाल देंगे, थोड़ा सा इन कोन का मुंह खोल देंगे उंगली डाल करके। तो ब्रेड जो हमारे अंदर से सॉफ्ट है, मैंने कहा था आपको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रंची हो गई तो इसकी कोन का जो मुँह है हम खोल नहीं पाएंगे। तो इस तरह से सारी कोन को हम रेडी कर लेंगे। और अब ली है मैंने व्हिप्ड क्रीम। तो व्हिप्ड क्रीम में मैं डाल रही हूँ बटर स्कॉच का फ्लेवर। तो आपके पास कोई भी फ्लेवर है, आप कोई भी वनीला डालना चाहें वनीला डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डालना चाहें स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं, एनी कलर जो भी आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं इसमें। तो मैंने फ्लेवर डालने के लिए डाल दिया है। और इसमें आपको कलर, अगर पिंक चाहिए तो पिंक कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो मुझे वाइट ही चाहिए तो मैंने वाइट ही रहने दिया है। और अब मैंने ले लिया नोज़ल। तो नोज़ल आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास पड़ी हो, नई भी हो, तब भी आप किसी भी पॉली बैग में भर के उसको, क्योंकि हमें क्या करना है, उसको भरना है अच्छे से अंदर तक, तो कोन होना ज़रूरी है। तो इस तरह से इसको हम थोड़ा सा मुँह खोलेंगे इसका, और इसको अंदर से लेके ऊपर तक भरते चले जाएंगे। एकदम लग रही है ना सॉफ्टी, और बहुत ही इंस्टेंट। तो बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है ये, और बहुत ही अच्छी, बच्चों को बहुत पसंद आती है ये, क्योंकि बच्चे आजकल बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो क्यों ना उसे घर पर बनाया जाए। तो इसलिए रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत ही जल्दी बन जाती है ये। और व्हिप क्रीम की जगह अगर आप इसमें कुछ और यूज़ करना चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अब मैंने इसमें टूटी फूटी लगा दूंगी इस तरह से। तो बहुत ही जल्दी हमारी क्रीम बनकर तैयार हो जाएगी। और अगर आप इसके अंदर, जैसे व्हिप क्रीम आपके पास नहीं है, तो आप इसके ऊपर आइसक्रीम भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपके साथ आइसक्रीम की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर की हुई है। तो जो हमने एक आइसक्रीम, कस्टर्ड आइसक्रीम की रेसिपी मैंने यूट्यूब पे डाली है, तो वो आप रेसिपी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो है, जो हमारी कोन है, जो क्रीम रोल है हमारे, वो बनकर तैयार हैं।
तो कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा मुझे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।